नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले आपकी जो ITI TO का आपकी जो अलग अलग फील्ड में जो आपकी वैकेंसी निकली है, जैसे आपकी जो ट्रेड होती है, स्टेनो की ट्रेड हुई, कोपा हुई, इलेक्ट्रिशियन हुई, मैकेनिकल हुई, डीजल मैकेनिक हुई, ऐसे सभी के अलग अलग सिलेबस होते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में आपकी जिस प्रकार से कमेंट आएगी, सर स्टेनो का सिलेबस बता दीजिए, तो आज मैं आपको ITI TO के स्टेनो का सिलेबस बताने वाला हूँ कि 75 नंबर में क्या पूछा जाएगा आपके स्टेनो में, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो कि हम 75 नंबर की थ्योरी कैसे पढ़ेंगे स्टेनो की। तो आज मैं आपको बताऊंगा उसमें उस सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। उससे पहले जो लोग चैनल पर न्यू आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी जानकारियाँ मिलती रहेगी। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपन ITI TO के स्टेनो के सिलेबस के बारे में। स्टेनो का सिलेबस मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा, इधर उधर की बात ना करते हुए डायरेक्ट सिलेबस के बताऊंगा। और आपका जो नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन को यदि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आपने भी कहीं ना कहीं उस सिलेबस को देख लिया होगा। तो आज मैं आपको बताता हूँ, मैंने उस सिलेबस का प्रिंट निकला लिया है और प्रिंट मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। तो प्रिंट ये आपके सामने, आप देख सकते हो यहाँ पर स्टेनोग्राफी, ठीक है, सिलेबस फॉर स्टेनोग्राफी। तो यहाँ पर हिंदी के लिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसका पूरा सिलेबस पढ़ के बताऊंगा एक एक डिटेल में, तो आप अच्छे से सुनिएगा। और लिखना है, नोट डाउन करना है, तो आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा और मैं समझाते भी चलूंगा कि सिलेबस में किस प्रकार से क्या क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं अपन सिलेबस फॉर ट्रेनिंग ऑफिसर स्टेनोग्राफर सेक्टोरियल असिस्टेंट हिंदी, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है आशुलिपिक, शॉर्ट हैंड में निर्देशन लेने एवं कंप्यूटर का प्रयोग कर उसे कागज पर रूपांतरित करने में दक्षता। ये है सबसे पहला सिलेबस का पॉइंट कि आपको स्टेनो की जो बोला जाता है वो अच्छा मुख्य श्रोता हो और उसमें जो जो आपको चीज़ें बोली जाती है, जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो आपको पता रहना चाहिए, और आपको जो टाइमिंग होता है वो आपको टाइमिंग भी पता होना चाहिए, और ट्रांसलेशन करने का कितने वाला कितना टाइम होता है और कितनी स्पीड का कितना टाइम होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ये सब सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कंप्यूटर हार्डवेयर और विधियों का ज्ञान, कंप्यूटर पर उच्च गति टंकन में दक्षता, ठीक है, इसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में, और विधियों का ज्ञान जो आप टाइपिंग करते हो उसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। ये हो गए आपके दो पॉइंट। फिर है विभिन्न प्रकार के पत्रों की जानकारी, व्यवस्था एक पत्रों पर श्रुति लेखन, श्रुति लेख एवं प्रतिलेखन करने की दक्षता। इसका मतलब ये है कि आपको जो विभिन्न प्रकार के पत्र होते हैं, पत्रों की आपको जानकारी होना चाहिए कि वो कौन सा पत्र कैसे लिखते हैं, कितने प्रकार के पत्र होते हैं। तो यहाँ पर तीन प्रकार के पत्र दिए इनने कि आपको जानकारी होनी चाहिए श्रुति लेखन, श्रुति लेख एवं प्रतिलेख करने की दक्षता पत्रों को। ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। फिर चौथा पॉइंट है कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, MS Excel, MS PowerPoint प्रेजेंटेशन इत्यादि पर कार्य करने एवं इंटरनेट का प्रयोग करने में सक्षम। मतलब आपको इन तीनों का नॉलेज होना चाहिए, MS Word, MS Excel और MS PowerPoint। ये हो गया क्लियर। फिर आपका फिफ्थ पॉइंट है कार्यालयीन वातावरण, आंतरिक सजावट, सफाई, सुरक्षा का महत्व, ज्ञान एवं कार्यालय प्रबंधन कार्यों में कर्तव्य से परिचित। इसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कार्यालय वातावरण किससे मतलब दूषित हो सकता है, फिर सुरक्षा उसका आपको ध्यान रखना है, साज सज्जा का ध्यान रखना है, कार्यालय में आपको किस प्रकार से बिहेव करना है किस लोगों से, ये सारी चीज़ें भी पूछी जाएगी। फिर आपका सिक्स्थ पॉइंट कार्यालय में डायरी डिस्पैच, स्टेशनरी, दस्तावेजों फाइलिंग प्रबंधन एवं कार्यालय के सचिव कार्य एवं कर्तव्यों से परिचित। मतलब आपके कार्यालय में आपकी जो डायरी डिस्पैच होती है उसका आपको नॉलेज होना चाहिए, स्टेशनरी का नॉलेज होना चाहिए, और डॉक्यूमेंट फाइलिंग जो करते हैं अपन उसका मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। ये इस प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्टेनोग्राफर हिंदी में ITI TO में। फिर आपका सेवन्थ पॉइंट विभिन्न कार्यालयीन उपकरणों को पहचान कर उनके सही प्रयोग एवं रख रखाव से अवगत। जैसे मान लो अदर अदर के कार्यालयीन की आपकी जो फाइलें आती है तो उनको सिस्टमेटिक आपको कैसे रखनी है उसके बारे में भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। फिर है एट्थ पॉइंट विभिन्न डाकघर सेवाओं से परिचित, विभिन्न जितने भी डाकघर होती है, जैसे आपके कार्यालय में कोई भी डाक आएगी तो उसको आवक जावक जो भी होता है उस प्रकार से कोई क्वेश्चन होता है तो वो भी आपको इसमें पूछा जाएगा डाक से संबंधित। फिर है नाइन्थ पॉइंट सभी प्रकार के मैनुअल एवं ऑनलाइन पत्राचार करने में सक्षम। मतलब आपको सभी प्रकार के मैनुअल एवं ऑनलाइन जो भी आपके पत्राचार होते हैं वो आपको करना आना चाहिए और उसके बारे में आपको पूरी पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो ये आपका स्टेनो का सिलेबस है इतना बड़ा। ये इसका फोटो भी मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए, आप वहाँ से जाके पढ़ लेना। और यदि आप चाहो तो प्रिंटआउट निकला के सामने रख के इस सिलेबस को आप कवर कर सकते हो। मैंने रूल बुक में से ये प्रिंटआउट निकाला है। तो ये कुछ आपके 9 या 10 पॉइंट सिलेबस के स्टेनोग्राफर हिंदी के, जो कि आपको बहुत अच्छे से, आप यदि स्टेनो का फॉर्म भर रहे हो तो आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ों के बारे में याद कर लेना है
और स्टेनो के बारे में भी इनने फर्स्ट पॉइंट यही लिखा है कि शॉर्ट हैंड में निर्देश जो होते हैं, जो आपके आउटलाइन बनती है अधोगामी ऊर्ध्वगामी उस प्रकार के जो बनती है, उसके बारे में भी आपको पूरा पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो लगभग ये 9 से 10 पॉइंट है, इसके बारे में आपको पूरी चीज़ें कलेक्ट करके सारी चीज़ें आपको ढूंढना है और उसके बाद ही आपको पढ़ना है अच्छे से। स्टेनो का ये सिलेबस है। यदि आप चाहते हो कि मैं कोपा का भी बताऊं तो कोपा का नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कोपा का सिलेबस, वो भी डिटेल्ड में इसी प्रकार से। तो होप्स आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। चीज़ें समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए नए वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।